नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो आज हम जा रहे हैं एक अजीब सी चीज देखने के लिए। आप लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन श्रीलंका से एक खास तरह का टॉर्टोइज जो अंडा देने के लिए सिर्फ इंडिया तक आते हैं, उनको कहते हैं ओलिव रिडले टॉर्टोइजेस। और वो सब आते हैं हमारे जिला के समुंदर के किनारे। आज हम जा रहे हैं वही देखने के लिए कि समुंदर के किनारे पर वो कहाँ पे आते हैं और कैसे अंडा देते हैं वो देखेंगे। ज़्यादातर टॉर्टोइजेस रात को ही अंडा दे देते हैं, दिन में तो अभी टॉर्टोइजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या पता कुछ बाकी रह गए हों तो हम उनको देखेंगे। ये जो टॉर्टोइजेस होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं और इनको देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। तो आज हम भी वहीं पे निकल पड़े। रास्ता बहुत सुंदर है और हवा इतना ज्यादा है कि ये गाड़ी को पूरा धकेल देती है, रास्ते से हटा देती है बिल्कुल। यहाँ पे लिखा हुआ है गोखरकुदा, तो हमको जाना है लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे फिश का गोडाउन है, सी फिश का। रास्ता बहुत ही सुंदर है, मज़ेदार है। हवा थोड़ा कम हो गया क्योंकि साइड में पेड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे हवा का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आज इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। तो हमको जाना है यहाँ गोखरकुदा। भाई आज है 1 अप्रैल और ये होता है उड़ीसा का प्रतिष्ठा का दिन। उड़ीसा आज प्रतिष्ठा हुआ था 1936 में। इंडिया का कुछ राज्य जो पहले प्रतिष्ठित हुए थे और भाषा के आधार पर उड़ीसा पहला राज्य बना था 1936 में, तो आज हमारा प्रतिष्ठा दिवस है, इसलिए छुट्टी है और हम छुट्टी का पूर्ण इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। देखते हैं आगे कहाँ तक हम जा पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ओलिव रिडले नेस्टिंग बीच। ठीक है, यहाँ से हमें आगे जाना है, लेकिन गाड़ी शायद वहाँ तक ना जा पाएगा क्योंकि अगर रेत में अटक गया तो गाड़ी को खींच के निकालना मुश्किल हो जाएगा। मुझे याद है ओए हम यहाँ पे आए थे बहुत साल पहले, रात के 12 बजे आए थे देखने के लिए कि हैचलिंग्स कैसे निकलती हैं। गांव के अंदर से जा रहे हैं हम। यहाँ हमको गाड़ी रखना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी शायद आगे नहीं जाएगी। एक एडवेंचर करते हैं, देखते हैं हमारा गाड़ी अंदर से जाता है कि नहीं जाता है। हाँ चला जाएगा। ओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओह ये जबरदस्त था ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ से आगे शायद वो लोग नहीं छोड़ते। ओए 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 ओए, रास्ता थोड़ा कच्चा है क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए रास्ता उन्होंने नहीं बनाया है। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे जहाँ पे ओलिव रिडले मास नेस्टिंग होता है, मतलब अंडा देने के लिए ओलिव रिडले कछुए यहाँ पे आते हैं। तो उनको हम देखेंगे कि वो कहाँ पे अंडा देते हैं और कैसे दिया गया है वो देखेंगे। अभी शायद हमें कोई कछुआ मतलब टॉर्टोइज ओलिव रिडले वाला दिखाई ना पड़े, पर इस जगह को आने का एक अलग ही आनंद है। एक तो लंबा बीच है, सुंदर साफ बीच, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो बस चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये सेंटर्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से और यहाँ पे कर्मचारी भी सतर्क रहते हैं ताकि यहाँ आने वाले कछुओं को कोई परेशानी ना हो। तो
ये रहा पुलिस आउटपोस्ट। यहाँ पे एक कर्मचारी है जो कि हमें गाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। पहले जो टॉर्टोइज़ आते थे वो यहाँ पे नेस्टिंग करते थे, लेकिन अब ये हुआ है कि वहाँ पे एक नदी बीच में बढ़ गया है उसका एरिया, तो बढ़ने के वजह से एक छोटा सा आइलैंड उस तरफ बन गया है और ज़्यादातर कछुए उस आइलैंड पे ही आकर अंडा देकर चले जाते हैं, ये उन्होंने बताया। अब हम उस तरफ तो नहीं जा पाएंगे, इसीलिए चलिए यहाँ से आगे चलते हैं एक और बीच पे, वहाँ पे देखेंगे कि शायद वहाँ पे हमें कुछ दिख जाए। वो बोलते हैं कि शाम को अगर आप आएंगे तो आप ये देख सकते हैं, शाम को आएंगे तो पूरा अंधेरा होगा, तब मैं आपको दिखाएंगे। फिर भी अभी चलते हैं, अगर अच्छा रहा तो मैं वहाँ आपको दिखाऊंगा। चलिए ये सॉल्ट हार्वेस्टिंग का खेत है, हमारे यहाँ नमक बनाए जाते हैं। पहले बहुत बनाए जाते थे, अब बहुत कम है, पर बहुत अच्छी जगह है ये। अब हम जा रहे हैं बटेश्वर। बटेश्वर एक शिवजी का मंदिर है, वो मंदिर बीच के पास है, तो हम समुंदर के किनारे भी जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि ये टॉर्टोइज़ के कुछ सैंपल्स वहाँ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ये ज़्यादातर शाम के 6 बजे के बाद आते हैं, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हम दिन में आते हुए देख पा रहे हैं। ये अभी 5 बजे और ये अभी डिस्टर्ब पा रहा है क्योंकि धक्का देना चाहता है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा जो सी बीच है इसको इन्होंने नेट से भर रखा है, क्योंकि अंदर किसी को जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। वैसे भी अगर इसको खोल दिया जाता है तो सारे लोग अंदर चले जाएंगे और प्रॉब्लम ये होगा कि इनको अंडा देने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। इसके लिए यहाँ लोकल लोग जो होते हैं वो यहाँ पे गार्ड कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये यहाँ के लोकल्स हैं। और इसके साथ साथ यहाँ हमारे वन विभाग के ऑफिसर भी बैठे हुए हैं जो कि इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो ये हमारे ज़िले का एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है जो हम आपको ये है अभी क्या दृश्य भी आया है क्या देख करिए चला जाएगा। ये टॉर्टोइज श्रीलंका से यहाँ आते हैं, अभी समुंदर में ये लाखों की तादाद में अभी तैर रहे होंगे। जैसे ही शाम होगा, टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, तो वो यहाँ पे आएंगे और इस बीच पर आकर ये अंडा देना शुरू कर देंगे।
अभी हम अगर दूर पे देखें तो दूर कहीं कहीं एक और दो टॉर्टोइज़ दिखाई दे रहे हैं, आपको शायद कैमरे में दिखाई ना पड़े लेकिन ये दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इस बीच पर जाने के लिए मना कर दिया गया है।